हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं मथुरा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। नंबर 10, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। वृंदावन में स्थित इस मंदिर को इस्कॉन मंदिर और अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विदेशी महिला पुरुष केसरिया कपड़ों को पहने हुए हरे राम हरे कृष्ण मंत्रों को जाप करते हुए देखे जाते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर का नाम मिला। इसमें राधा कृष्ण की भव्य एवं काफ़ी सुंदर मूर्तियां स्थित हैं। नंबर 9, मथुरा म्यूजियम। यह म्यूजियम मथुरा जिले में स्थित है। यह म्यूजियम देश के अनेक म्यूजियम में बढ़ चुका है। यहां की सामग्री लखनऊ के म्यूजियम में, कलकत्ते के भारतीय म्यूजियम में तथा अमेरिका के बोस्टन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि में प्रदर्शित है, परंतु इसका सबसे बड़ा भाग मथुरा म्यूजियम में स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक प्राचीन समय के शासकों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। नंबर 8, राधा रानी टेम्पल। यह मंदिर मथुरा के बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे राधा रानी महल भी कहा जाता है। राधा रानी का यह सुंदर और मनमोहक मंदिर 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर में चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पहाड़ी पर चढ़ाई का रास्ता है और दूसरा सीढ़ी का रास्ता है। नंबर 7, गोवर्धन हिल। गोवर्धन पर्वत मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को भक्त गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा को करते हुए रास्ते में प्रमुख स्थल जैसे राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दानघाटी मंदिर आदि पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस AH टूरिज्म इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 6, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर मथुरा में स्थित है, जो कि गोवर्धन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सरोवर के चारों तरफ सैकड़ों सीढ़ियाँ हैं। इस सरोवर के इर्द गिर्द कदम नाम के पेड़ हैं, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत ही पसंद थे। यह गोवर्धन की परिक्रमा करते समय रास्ते में पड़ता है। नंबर 5, विश्राम घाट। यह मथुरा के 25 घाटों में से सबसे प्रमुख घाट है। यह द्वारकाधीश टेम्पल मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का एक अति सुंदर मंदिर है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इसी घाट पर विश्राम किया था। नंबर 4, द्वारकाधीश टेम्पल। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर नगर के राजाधिराज बाजार में स्थित है। यह मंदिर अपने सांस्कृतिक वैभव और सौंदर्य के लिए माना जाता है। सावन के महीने में हर वर्ष लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 3, प्रेम मंदिर। यह मथुरा के वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष लगे थे और इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। यह मंदिर इटालियन संगमरमर का बना हुआ है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की झांकियां, गोवर्धन पर्वत लीला आदि झांकियां उद्यानों के बीच सजा दी गई हैं। मंदिर के खंभों पर गोपियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि जीवित सी दिखाई देती हैं। रात में यह मंदिर और ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है, जिसको आप फोटो में देख ही सकते हैं। नंबर 2, बांके बिहारी टेम्पल। यह मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण देती पर स्थित है। बांके बिहारी मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी श्री कृष्ण का ही रूप है, जो यहाँ दिखाया गया है। बिहारी जी के मंदिर के सामने के दरवाजे पर पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 2 मिनट के अंतर पर बंद एवं खोला जाता है। श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए 1 महीने में लाखों लोग आते हैं और माना जाता है जिसने यहाँ के दर्शन नहीं किए उसका मथुरा वृंदावन घूमना बेकार है। और अब नंबर 1 पे है श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक धार्मिक स्थान है, जो कि हिंदू धर्म के लोगों के भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। इसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से विदेशों से भी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार होली, जन्माष्टमी, दिवाली है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और टूरिज्म प्लेस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।